एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर खो गया, समझो वह व्यक्ति सफल हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए यानी कि वृश्चिक राशि के लिए बहुत ज्यादा खास है, बहुत विशेष है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वृश्चिक राशि का अप्रैल 2024 का मासिक राशिफल, मंथली प्रिडिक्शन, अप्रैल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, नवग्रह आपको क्या फल देने में सक्षम रहेंगे, बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा सब कुछ। जो भी आपके प्रश्न हैं, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा, और अंत में बताऊंगा आपको अचूक उपाय, क्या उपाय आपको फॉलो करने चाहिए, और बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। और आपको भी समझना पड़ेगा कि ग्रह आपकी राशि से कैसे कहाँ कहाँ पे विराजमान है, कहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, किस प्रकार का आपके जीवन में वो फलाफल लेकर आएगी। चलिए फिर करते हैं शुरुआत, बस आपको ध्यान से सुनना और समझना होगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपके स्वास्थ्य, आपके हेल्थ के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं कौन, वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं मंगल ग्रह, ठीक है। तो आपके जो मंगल ग्रह हैं, ये आपकी राशि है, मंगल ग्रह आपके फोर्थ हाउस में विराजमान है, फोर्थ हाउस में शनि के साथ बैठे हैं, ठीक है ना। आपके पंचम भाव में है राहु, शुक्र, सूर्य, सिक्स्थ हाउस में है बुध गुरु, आपके इलेवंथ हाउस में विराजमान है केतु। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा हम ये जान लेते हैं, ठीक है। दोस्तों, आपके राशि के स्वामी मंगल ग्रह फोर्थ हाउस में विराजमान है, वो भी 24 अप्रैल तक, और 24 अप्रैल को मंगल फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट करेंगे राहु के साथ में। यहां पर मंगल की स्थिति सही है, और मैं देख रहा हूं कि गुरु थोड़े से कमजोर हैं, क्योंकि गुरु छठे घर में विराजमान है। यहां पर फिफ्थ लॉर्ड जो गुरु हैं वो छठे घर में, फिफ्थ हाउस होता है हमारे स्टमक का, हमारे पेट का होता है, ठीक है। और मंगल भी शनि के साथ में बैठा है, यानी कि शनि के साथ में मंगल की युति, आपको हेडक का थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा सोचने की वजह से हेडक ना हो जाए, ओवर एंग्जाइटी ना हो, टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, आपको ज्यादा स्ट्रेस ना ले, आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शनि के साथ में मंगल है। कोई मेजर इशू नहीं है हेल्थ को लेके, लेकिन ये थोड़ा हेडक देता है, कभी कभी ओवर थिंकिंग देता है। फिर आपका गुरु जो है छठे घर में है, तो गुरु हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको ध्यान रखना होगा, फैट इंक्रीज ना हो आपका, ठीक है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे आपको बस ध्यान रखना है, बाकी आपका स्वास्थ्य यहाँ पे सही दिख रहा है। बात करूँ आपके पढ़ाई को लेकर, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2024। दोस्तों, पंचम भाव होता है हमारे पढ़ाई का, स्टडी का होता है, तो फिफ्थ लॉर्ड बनते हैं आपके गुरु, गुरु आपके छठे घर में, राहु शुक्र सूर्य आपके पंचम भाव में। दोस्तों, पढ़ाई यहां पर आपकी एवरेज रहेगी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कहूंगा, क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठ के मन को डाइवर्ट कर देते हैं। राहु का काम है भटकाना, राहु ग्रह नहीं, छाया ग्रह, तो राहु मन को ना डाइवर्ट करते हैं, यानी कि पढ़ाई से मन को हटाते हैं। हालांकि यहां पे सूर्य अच्छे हैं, यहां पर जो शुक्र बैठे हैं वो भी आपके सेवंथ और ट्वेल्थ लॉर्ड हैं, आपका मन ऐसा ना हो कि रिलेशन की तरफ ज्यादा जाए, या आप उस पर ज्यादा पॉजिटिव हो जाए, ज्यादा सीरियस हो जाए, और कहीं ना कहीं आपका मन वहाँ ज़्यादा लगे, ऐसा थोड़ा देखा जा सकता है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करें। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुरु भी थोड़े कमज़ोर हैं आपके, ठीक है ना। तो इस महीने आपकी जो पढ़ाई है वो एवरेज है, बहुत अच्छी नहीं, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं। बात करूँ लव रिलेशन को लेके, प्रेम प्यार कैसा रहेगा आपका। दोस्तों, पंचम भाव हाँ प्रेम प्यार का भी होता है और पढ़ाई का भी होता है, तो आपके शुक्र राहु सूर्य बैठे हैं पंचम भाव में। दोस्तों, लव रिलेशन यहाँ पर अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। अच्छा खासा रिलेशन आपका, एक छोटी सी बातों पर ना, मतलब फाइट्स ना हो जाए उस पर, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। रिलेशन अच्छा रहेगा आपका, क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, शनि भी आपके यहाँ पे अच्छे हैं, शुक्र जो हैं वो उच्च के हैं पंचम भाव में, फीलिंग्स बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत अच्छा लव रिलेशन रहेगा, प्रेम प्यार अच्छा रहेगा। लेकिन राहु और सूर्य ग्रहण दोष जो लग रहा है आपका पंचम भाव में, ये ग्रहण दोष ना कभी कभी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है, कोई इन्वॉल्व ना हो जाए, कोई शंका क्रिएट ना हो जाए, और छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा अग्रेशन ना आ जाए आपके भी अंदर, उनके भी अंदर, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बाकी लव रिलेशन वेरी गुड। बात करूं वैवाहिक जीवन की, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपके अप्रैल में। दोस्तों, सेवंथ हाउस होता है हाँ मैरिड लाइफ का, सेवंथ लॉर्ड बनते हैं वीनस यानी कि शुक्र, शुक्र आपके जो है वो पंचम भाव में है, अच्छे हैं, उच्च के हैं, राहु के साथ में, लेकिन मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, और खासकर 24 अप्रैल के बाद तो बहुत ज्यादा अच्छी है, जब मंगल और साथ में हाँ शुक्र भी प्रवेश कर लेंगे। बस मैरिड लाइफ का आपको ध्यान रखना है 25 अप्रैल के बाद, जब शुक्र आपके छठे घर में प्रवेश करेंगे, क्योंकि छठा घर कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता, यानी कि 25 अप्रैल के बाद या तो वैवाहिक जीवन में कुछ
कुछ तनाव, कुछ अनबन, कुछ छोटी मोटी चीजों को लेकर मनमुटाव, या फिर आपके आपके लाइफ पार्टनर के हेल्थ में थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है, अप डाउन हो सकता है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अच्छा दिख रहा है मुझे आपकी मैरिड लाइफ, 24 अप्रैल से पहले तो बहुत अच्छी है। बात करूं सबसे महत्वपूर्ण विषय, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा आपका। दोस्तों भाग्य स्थान होता है 9th house फॉर लक, 10th house फॉर करियर, ठीक है। 9th lord बनते हैं आपके चंद्रमा, चंद्रमा हर सवा दो दिन में परिवर्तन करते हैं, सूर्य आपके जो है बैठे हैं पंचम भाव में, छठे घर में आ जाएंगे उच्च के। दोस्तों अगर आप कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, भाग्य से संबंधित आपका कोई प्रश्न है कि मैं कोई चीज़ लेना चाहता हूँ, कोई मीटिंग रखना चाहता हूँ, कहीं पर जाना चाहता हूँ, कोई ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ, कोई शुभ कार्य करना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न है कि मैं कब एक अच्छे काम की शुरुआत करूँ, कब मैं अपने बिजनेस की शुरुआत करूँ, 14 अप्रैल के बाद सूर्य हो जाएंगे उच्च के, तो उसके बाद आपका जो भाग्य है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एज कम्पेयर कि पहले उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन आपको ना किसी न किसी चीज़ की डर रहता है, किसी न किसी चीज़ को लेकर आपको एक चिंता मन में रहती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, एक कन्फ्यूज़न बहुत होती है आपको, ठीक है, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी चंद्रमा है, एक डर रहता है अंदर से, तो डिसीजन लेने में थोड़ा घबराते हो आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो महीना है भाग्य को लेकर अच्छा है, घबराइए मत आप, ठीक है, ओवर थिंकिंग थोड़ा सा कम करिए। करियर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये महीना करियर को लेकर श्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है। क्यों है? क्योंकि सूर्य आपके उच्च के हो जाएंगे, 10th lord यहाँ के जो स्वामी हैं 10th lord सूर्य, वो उच्च के हो जाएंगे छठे घर में, यानी कि आपके वर्किंग प्लेस पे शत्रु हावी हो रहे थे, या फिर कोई काम आपके ऊपर हावी हो रहा था, या आप खुद ब खुद बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे थे, ये सारी जो दुविधाएँ, सारी जो परेशानियाँ हैं ये अलग हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सूर्य उच्च के हो रहे हैं, और एक साल में एक महीना ऐसा होता है जब सूर्य ग्रह उच्च के होते हैं, तो ये महीना आपके कामकाज को लेकर बहुत अच्छा है। और विशेष जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, या राजनीति में हैं, या फिर बड़े बड़े सतह पे काम करते हैं, बड़े बड़े लेवल पे, बड़े बड़े डेजिनेशन पे काम करते हैं, उनके लिए तो और ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बड़े लेवल पर काम करना आपके लिए बड़ा अच्छा है ये महीना, अपितु ऐसा है ये महीना आपके लिए कि कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा गेन दे सकता है, अच्छी ग्रोथ दे सकता है। इसका मतलब कि प्रमोशन हो सकता है, या फिर किसी बड़े लोगों के साथ में, सीनियर्स के साथ में आपका उठना बैठना हो सकता है, या फिर वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि शनि एस्पेक्ट टू 1st house 10वीं दृष्टि से जिद, अड़ियल और अहंकार, इन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करेंगे, ठीक है। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस को लेकर यह महीना 24 अप्रैल से पहले ठीक है, 24 अप्रैल के बाद थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि शुक्र आपके छठे घर में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी वाणी पर ध्यान दें, अपने बिजनेस पर जल्दबाजी ना करें, धैर्य के साथ में काम लें, स्टेबल तरीके से काम करें, ज़्यादा नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव रहें, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में काम करें, बिजनेस आपका अच्छा रहेगा 24 अप्रैल से पहले पहले। क्या उपाय करने चाहिए आपको? दोस्तों सबसे पहले तो आपको मंगल का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः 108 बार। गुरु का बीज मंत्र करना चाहिए, गुरु आपके कमजोर हैं, क्योंकि ओम ग्राम क्रीम क्रोम स गुरुवे नमः 108 बार। हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर फॉलो करें। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।